ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में एक क्लैश हो जाता है मणिपुर की चूरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इन मिलिटेंट ग्रुप्स को कि ये हर एक मिलिटेंट को पर मंथ 5,000 रुपया स्टाइफंड देंगे, जिसके कैबिनेट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को विड्रॉ करने का फैसला लेती। मणिपुर स्टेट में 3 मई 2023 में एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च कंडक्ट किया जाता है वहाँ की ऑल स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन ऑफ मणिपुर की तरफ से। बट इस मार्च के खत्म होने के साथ ही वहाँ की ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में एक क्लैश हो जाता है मणिपुर की चूरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब इस प्रोटेस्ट को जज करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोटेस्ट में किसी भी कम्युनिटी को फेवर या फिर अगेंस्ट जाने के लिए। अब सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि मणिपुर में मेनली 3 कम्युनिटीज पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है मैतेई कम्युनिटी जो वहाँ की अप्रॉक्सीमेटली 53% पॉपुलेशन है, और जो मैतेई कम्युनिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली मणिपुर का 10% लैंड ऑन करते हैं। वो क्यों, इस बारे में हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। बट दूसरी तरफ आती है कुकी एंड नागा कम्युनिटी। अब कुकी एंड नागा कम्युनिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर मणिपुर, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 90% लैंड फाउंड करते हैं ऑल ओवर मणिपुर। अब जो कुकी एंड नागा कम्युनिटी है इसमें मेजरली आते हैं क्रिश्चियंस, और दूसरी तरफ जो मैतेई कम्युनिटी है इसमें मेजरली आते हैं हिंदूस, और साथ ही में मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90% लैंड एरिया है मणिपुर का, वो सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ही रिजर्व है, और वहाँ पर कोई भी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी ना ही माइग्रेट कर सकती है और ना ही लैंड ऑन कर सकती है। और दूसरी तरफ इस 90% रिजर्वेशन के होने के बावजूद ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये प्लेन एरियाज में लैंड भी ऑन कर सकती है और माइग्रेट भी कर सकती है। और इसी के चलते हुए वहाँ की मैतेई कम्युनिटी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाए। और अगर मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाता तो उससे कुकी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। अब इस वीडियो में आगे बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में स्टार्टिंग से ही कई ज़्यादा कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप भी थे जिनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट कुकी स्टेट बना दी जाए उनके लिए। बट इन डिमांड्स को सेटल करते हुए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना दी थी जिसके अंदर इनका फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिफरेंट रहेगी मणिपुर गवर्नमेंट एंड असेंबली से। और साथ ही में इसके चलते हुए 22 अगस्त 2008 में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इन मिलिटेंट ग्रुप्स को कि ये हर एक मिलिटेंट को पर मंथ 5,000 रुपया स्टाइफंड देंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इनके सारे आर्म्स सीज कर दिए थे सिर्फ कुछ आर्म्स को छोड़ के जो इन लीडर्स की प्रोटेक्शन के लिए थे। और साथ में जो भी कैडर्स इन डेजिग्नेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे उसकी सारी की सारी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। और इस एग्रीमेंट के बाद से ही मैतेई कम्युनिटी का मानना ये था कि इसके कारण मणिपुर में टेररिज्म, ड्रग्स एंड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो वहाँ के फॉरेस्ट में पॉपी की खेती करते थे, मिलिटेंट्स को ट्रेन करते थे, और जो भी इलीगल इमिग्रेंट म्यांमार से आते थे मणिपुर में उन्हें सबसे पहले एज अ चीप लेबर यूज़ करते थे पॉपी की खेती के लिए, और उसके बाद उन्हें मदद करते थे वहाँ पर सेटल होने के लिए। अब आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि मणिपुर स्टेट असेंबली की जो सीट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से है इस टाइम पर कि टोटल 60 सीटों में से 19 सीट्स तो कुकीज़ के लिए रिजर्व थी, बट जो बाकी 40 सीट्स हैं उस पर इस टाइम मैतेई कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अब ये प्रोटेस्ट 2023 में इतना एक्सेजरेट कैसे हो गया? तो सबसे पहले मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने 2023 में एक एविक्शन ड्राइव स्टार्ट की जिसमें सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से रिमूव किया। उसके बाद फरवरी 2023 में इसी बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव स्टार्ट किया फॉरेस्ट ट्रेलर्स को एनलोचर्स करके इन्हें रिमूव करना शुरू किया। और फिर मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को विड्रॉ करने का फैसला लेती है। इस फैसला लेने के बाद सबसे पहला प्रोटेस्ट होता है कैंकॉपी डिस्ट्रिक्ट में। प्रोटेस्ट का मेन मोटिव था गवर्नमेंट का ट्राइबल लैंड को एनरोच करना रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे इसके खिलाफ, और इस प्रोटेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 5 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है मैतेई कम्युनिटी के ट्राइबल स्टेटस के ऊपर कोई डिसीजन लेने के लिए। अब इसके बाद 3 मई 2023 को एक मार्च कंडक्ट किया जाता है वहाँ की ऑल स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन की तरफ से, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से ज़्यादा लोग पार्ट लेते हैं। बट इस मार्च के खत्म होने के साथ ही वहाँ पर वायलेंस इरप्ट हो जाता है पूरे मणिपुर में, और मणिपुर की चूरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट वायलेंस का रूप ले लेता है, जिसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के घर चले और 1,000 से ज़्यादा मैतेई कम्युनिटी के लोगों के घर चलाए गए।
और अब ये कुछ लिस्ट है उन इंसिडेंट्स की जो इस प्रोटेस्ट के बाद हो चुके हैं। इंडियन फोर्सेस ने 10 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया है। 12 मई को कुकी मिलिटेंट ग्रुप ने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था और एक आर्मी ऑफिसर को स्टैब कर दिया था। 3 मई कई कम्युनिटी मेंबर्स को इन्हीं कुकी मिलिटेंट्स ने दौरबंग से किडनैप कर लिया और ना जाने क्या क्या हो चुका है। अब आप लोगों को क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इस टाइम पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।